सर, ये थाना रिजौर पुलिस द्वारा एक हत्या की घटना का अनावरण किया गया है। सर, क्या था पूरा मामला और क्या इसमें पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है? इसमें 16 जुलाई को थाना रिजौर जनपद एटा में ये सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक का शव झाड़ियों में छुपाया हुआ मिला हुआ है ग्राम इब्राहिमपुर नगरिया में। तत्काल मौके पर पुलिस द्वारा पहुंचकर घटना की छानबीन की गई तो ये चीज़ संज्ञान में आई कि ये युवक 11 तारीख को अपने गांव में आया था। ये अपना गांव छोड़कर कोर से हाथरस में रहते थे और 12 तारीख को इसके संबंध में थाना पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। शव की पोस्टमार्टम के पश्चात इसमें जो है हत्या का अभियोग पंजीकृत किया गया था तथा इसकी गहराई से छानबीन की जा रही थी। आज प्रातः सुरागवासी मुखबिर सूचना व अन्य साक्ष्यों के आधार पर गांव के ही दो युवकों की गिरफ्तारी की गई। उनके पास से मृतक का पर्स बरामद हुआ तथा 2000 के आसपास रुपये बरामद हुए और इनकी द्वारा घटना स्वीकार की गई तथा बताया गया कि मृतक के पास 21,500 रुपये थे और शाम को वो शराब के ठेके पर शराब खरीदने के लिए गया था। उसी दौरान इनको जानकारी हुई थी और साथ में इनके द्वारा बैठकर शराब पी गई थी। उसी समय इनके द्वारा उसकी हत्या कारित कर और ये पैसे ले लिए थे। ये रुपये के लालच में हत्या की घटना की गई थी। इनके विरुद्ध प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इनकी गिरफ्तारी कर इनको न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है तथा अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।